समय गंगोत्री, क्योंकि माँ का यानी कि माँ की डोली, गंगा माँ की डोली निकल चुकी है भैरव घाट से और जा रही है गंगोत्री की तरफ। इसकी खासियत यह है कि वर्ष में एक बार जब माँ अपने मायके से लौटती है तब इसी तरह से सजावट के साथ लौटती है, पूजा नर्तन होता है। और उसके साथ अमित जी ये बताइए, भैरव घाट में क्या पूजन अर्चन खासियत क्या है इसकी? इसकी खासियत ये होती है, साल में माँ गंगा जी की एक साल में पूजा की जाती है, इसलिए भैरव घाटी में माँ का मिलान करने के लिए वहाँ पूजा अर्चना की जाती है। और उसके बाद 11:15 पे माँ गंगोत्री धाम के कपाट खोले जाएंगे। एक वर्ष इंतजार किया जाता है इसका, इसी पूजन का महत्व क्या है? इस पूजन का महत्व ये होता है कि जो विधि विधान से हम पूजा अर्चना की जाती है उसके लिए भैरव घाटी जो हम माता एक साल के लिए रुकती है, और जब हम यहाँ से जाते हैं, जब यहाँ से हम निकलते हैं, जब कपाट बंद हो जाते हैं, तो फिर हम माता की डोली को हमारे जो यहाँ माता का विश्राम घर है वहाँ पे पूजा अर्चना करने के बाद हम मुखबा लेके जाते हैं। देखिए पहाड़ों के बीच में ये जब डोली निकलती है तो पहाड़ों का सौंदर्य भी देखते ही बनता है, जहाँ एक ओर गंगोत्री तो वहीं दूसरी ओर भैरव घाट और माँ की डोली। यकीन मानिए इतना खूबसूरत पर्व और उसके साथ इस तरह से रोली, चावल, चंदन, इन सब की तैयारियों के साथ कि रास्ते में जो भी मिलेगा उसे टीका लगा दिया जाएगा। टीका इस बात के लिए कि आप इस डोली में शामिल हुए थे। कैमरा पर्सन वेद प्रकाश पांडे के साथ मनोज लोहीवाल, गंगोत्री, एबीपी न्यूज़।